नमस्कार दोस्तों, BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन था आपका एग्ज़ाम डेट कब है, कब आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरी जानकारी थी दोस्तों कैसे तैयारी करें, कहां से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, विशेष तौर पर किस विषय पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उस एग्ज़ाम पेपर में किस तरीके से उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्या उनका लेवल रहता है, किस किस टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है उस सब्जेक्ट से, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाली है। तो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, एक एक चीज़ आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे और फिर मैं आप लोग को कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊँगा जो कि हमारे इस वीडियो के लास्ट पर आएंगे। तो बहुत ही स्पेशल वीडियो है आज की आप लोगों के लिए, जो भी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये हमारा मिशन है जो हम शुरू लॉन्च करने वाले हैं, तो बिल्कुल एक एक चीज आपको बताई जाएगी इस एग्जाम को कैसे आप लोगों को क्रैक करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दें, जो आपका नोटिफिकेशन है 4 परीक्षा 2019 गणित सहायक का जो एग्ज़ाम है, जैसा कि दोस्तों 27 तारीख को जो है इसका पाठ्यक्रम और परियोजना जो है प्रकाशित की जा चुकी है। और एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो इसका एग्ज़ाम नवंबर में होगा और 3 या फिर 4 नवंबर को डेट सुनने में आ रही कि आपका एग्ज़ाम जो 3 या फिर 4 नवंबर तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो किन किन स्टेजेस में होगा, कौन सी स्टेजेस में पेपर होगा, कितने नंबर का रहेगा, क्या क्या पढ़ना है आपको, ये सारी बातें आपको बताएंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर स्टेज फर्स्ट जो कि आपकी 65 अंक की रहेगी, इसमें आप लोग के 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार सिलेबस में परिवर्तन हुआ है और 130 क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो कि 65 नंबर के रहेंगे, और जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर है, हिंदी में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हिंदी के दोस्तों यहाँ पर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर करेंगे। तो 65 में से दोस्तों 30 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के हैं। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग बहुत सिंपल लेवल की रहेगी, अगर आप लोग पढ़ेंगे या फिर नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आप रीजनिंग के अधिक से अधिक क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल लॉजिक वाले क्वेश्चन रहते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे और ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोगों का होगा। सामान्य जानकारी की बात करें, सामान्य जानकारी के यहाँ पर 40 प्रश्न रहेंगे जो कि सिर्फ 20 नंबर के रहेंगे, और सामान्य जानकारी में सिर्फ आपको प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, और जो मैं प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कराने वाला हूँ फ्री PDF आपको मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल आपको हर वीडियो के लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी से अच्छी हो सके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताते हैं नेगेटिव मार्किंग, कई लोग का क्वेश्चन था नेगेटिव मार्किंग को लेकर, तो बिल्कुल भी दोस्तों ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने, जितना आता है ठीक ठीक अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/4 है, 25% नेगेटिव मार्किंग है। हिंदी, रीजनिंग और सामान्य जानकारी, ये सारे टॉपिक मैंने पहले से आपको पढ़ा रखे हैं। इसके बाद दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा आपका सेकंड स्टेज का, जो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, तो टंकण परीक्षा होगी, या आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर हो सकती है। ये केवल आपके एलिजिबल होनी चाहिए, इसमें आप लोग एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है ना, इसे को क्वालिफाई करना है, इसका नेचर जो है सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चयन के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण के लिए वेद न्यूनतम गति जो है प्राप्त कर ली हो। तो दोस्तों कैसे भी करके आप लोग उसमें क्वालिफाई होना है, तो बिल्कुल देख सकते हैं आपका जो स्टेज फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है लिखित परीक्षा वो आपको दे रखे हैं 65 अंक, और टंकण परीक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है जो कि आपकी एलिजिबल होगी, सिर्फ क्वालिफाई करना है। शैक्षिक अर्हता के आधार पर अधिकतम अंक जो है 30 अंक प्रदान किए जाएंगे, और खिलाड़ी को दोस्तों यहाँ पर अधिकतम जो है 5 अंक प्रदान किए जाएंगे, तो टोटल जो 30 और 5 35 ये होगा, तो कुल मिलाकर आप लोग का 100 नंबर का ये पेपर होगा, 2 चरण में होगा। पहला चरण लिखित परीक्षा, कैसे तैयारी करनी है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो करना है किस पर, हिंदी पे करना है। तो हिंदी के क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, तो आइए ये भी आप सभी को बता देते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए हिंदी की अगर हम बात करें किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम पुटअप किए जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन और पाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहाँ से पढ़ना है सारा कंटेंट मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हिंदी का, हिंदी का जैसे कि पहला क्वेश्चन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, खड़ी बोली का जो प्रयोग है साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है। सभी लोग बताएंगे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, खड़ी बोली का जो प्रयोग है साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आपको बता दें राइट आंसर होगा आपका दिल्ली और मेरठ के आसपास के जो लोक बोली के अर्थ में। ओके, तो एक क्वेश्चन आप लोग का जो यहाँ पर बोली से आएगा,
इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, आपका मुहावरा है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का मतलब होता है स्वयं को हानि पहुंचाना। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आपका स्वयं को हानि पहुंचाना। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है तेजोमय, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए तेजोमय का संधि विच्छेद मैंने बताया, संधि विच्छेद, संधि का नाम समास, विग्रह, समास, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। और राइट आंसर है आपका तेजामय, तेजा प्लस मय, विसर्ग संधि है यहाँ पर। निम्नलिखित में से तत्सम, तत्सम और तद्भव पढ़ लीजिए। तो चौथा क्वेश्चन आपका तत्सम है, तद्भव से रिलेटेड आ सकता है, मुख जो है हमारा तत्सम शब्द है। इसके बाद देखते हैं लू, लू कैसी ध्वनि है, लू जो है हमारी प्रकंपी ध्वनि है। देख सकते हैं क्या लेवल है, बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ पर, और ये मैं आज आपको ये पहली बार क्वेश्चन बता रहा हूँ, लू जो है कैसी ध्वनि है, ये प्रकंपी ध्वनि है। इसके बाद देखते हमारा अगला क्वेश्चन है, पीयूष जो है राम को पीट रहा है, इसमें जो है स्थूल अंकित शब्द में कारक कौन सा है। तो राइट आंसर होगा आपका कर्ता कारक है, सही जवाब है आपका पीयूष जो है, पीयूष ने राम को पीटा। तो इसमें जो आपका स्थूल अंकित जो शब्द है, ठीक है ना, पीयूष ने राम को पीटा, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप लोग का कारक जो होगा कर्ता होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आप सभी के सामने, निम्न विकल्पों में से किस विकल्प का अर्थ सही नहीं है। टोटा घाटा, टोटी चाबी, डीट दृष्टि, ढीठ निडर। तो बिल्कुल जो आपका अर्थ सही नहीं दिया गया है वो आपका दिया गया है टोटी और चाबी, बिल्कुल ही आपका अर्थ सही नहीं है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका आएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो दिए गए वाक्यांश में अनेक के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, जो बात जो व्यर्थ की बातें करता है उसे क्या कहेंगे। देखिए व्यर्थ की बातें करने वाला होता है वाचाल, राइट आंसर होगा आप लोग का वाचाल। जंगम, जंगम स्थावर आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना, तो राइट आंसर होगा आपका स्थावर, जंगम का हो जाएगा यहाँ से आप लोग का स्थावर। इसके बाद देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, हिमालय का पर्यायवाची, पर्यायवाची विलोम शब्द आएंगे आपके एग्जाम में, तो पर्यायवाची आए आपका हिमालय। हिमालय का दोस्तों अर्थ होगा यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो गिरिजेश नहीं है, बाकी गिरिराज, हिमाद्री, नागराज, नगराज, तो दोस्तों ये सारे हिमालय के पर्यायवाची हैं। पाप और पुण्य में कौन समास है, तो पाप और पुण्य, ठीक है ना। तो जब भी दोस्तों आप समास विग्रह करते हैं तो और लगता है बीच में, तो हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर होगा हमारा द्वंद्व समास। दिए खंडों में वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, उसका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार हैं। अब देखते समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या है, बहुत ही निकट के रिश्तेदार हैं या आत्मीय रिश्तेदार हैं, ये पॉइंट आपका गलत है। तो थर्ड इन का राइट आंसर होगा यहाँ से आपका डी वाला। तो दोस्तों यहाँ पर गलती जो है आपके डी वाले पार्ट में है। जीवन में अपने परिश्रम में सफलता का ना पाकर हताश लोग सस्ते मनोरंजन में सांत्वना खोजते हैं, संतोष ना पाकर, या फिर क्या होगा। तो देखिए 15 का राइट आंसर होगा आपका परिणाम ना पाकर, जब कोई रिजल्ट निकलता है तो हताश लोग सस्ते मनोरंजन में ही सांत्वना खोजते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ से आपका डी वाला। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं। परिश्रम ना करने वाले जो छात्र हैं वो अच्छे अंक नहीं पाते हैं, इस वाक्य में परिश्रम ना करने वाले क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से एक क्वेश्चन आएगा और ये फिलहाल एक पदबंध है। एग्जैक्ट आंसर तुम्हारा क्या जाएगा, पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 1998 का लोहिया साहित्य सम्मान किस साहित्यकार को प्रदान किया गया। सही जवाब है आपका विष्णुकांत शास्त्री, राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा विष्णुकांत शास्त्री। निम्न वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बताएंगे सभी लोग, स्थिर, अविनाशी, विष्णु, कृष्ण इत्यादि, इन सभी के अर्थ में विभिन्न अर्थ किसके हैं। देखिए राइट आंसर होगा 19 का आपका अक्षुत, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों यहाँ से आप सभी का, इत्यादि जो है अक्षुत के ही विभिन्न अर्थ हैं। पाश्चात्य, ठीक है ना, पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पेरी इप्सुस, काव्य में उदात तत्व का लेखक कौन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राइट आंसर होगा आप लोग का लॉन्चाइनस, सही जवाब है आपका लॉन्चाइनस। लेवल देख रहे हैं हिंदी का, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, और इसी लेवल से मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, प्रैक्टिस प्रोवाइड कराऊंगा, इसके प्रैक्टिस सेट कराएंगे, लाइव टेस्ट भी आपके होंगे डेली। बस आप सब लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस क्लास को मैं शुरू कर दे रहा हूँ, और बस आप सब मिलकर जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अगर ये आप लोग देख लेते हैं तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, किस प्रारूप में संबोधन एवं स्वनिर्देश नहीं होता है। किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता। देखिए पत्र लेखन से क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ से ज्ञापन, क्या नहीं होता इसमें, ज्ञापन नहीं होता है, क्लियर है।
इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लेवल है दोस्तों क्वेश्चन का, बहुत मैं भी इस क्वेश्चन को आज पहली बार आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है किसे कहा जाता है, तो 22 का जो राइट आंसर होगा ये होगा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, प्रताप नारायण मिश्र। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने लिया है जो मैं आपको आज प्रोवाइड करा रहा हूँ। खालिक बारी किसकी रचना है बताइए दोस्तों, खालिक बारी जो किसकी रचना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बताया, अमीर खुसरो की। सही जवाब है दोस्तों यहाँ से आपका अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम काल का नामकरण आदिकाल किसने किया। अब ये जो दोस्तों काल है आपका आदिकाल, इसका नामकरण जो है किसने किया था, तो 24 का आपका एग्जैक्ट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिया, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों किसमें जो है गलत चिन्ह का प्रयोग किया गया है 25 में, नहीं बुद्ध ने घर घर जाकर, फिर रुके यहाँ पर उपदेश दिया, तो बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिया, पिता और पुत्र में झगड़ा हो गया, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं। तो दोस्तों इन सभी में जो विराम चिन्हों का जो है गलत प्रयोग किया गया है, इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं हमारा डी वाला विकल्प जो है सही आएगा। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है वो है आपकी पाली भाषा। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आपका पाली। परिषद के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष सोहन लाल द्विवेदी थे, जबकि इस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन की अध्यक्षता जो थी किसने की थी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आप लोग का 27 का, सही जवाब होगा भवानी प्रसाद मिश्र। सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ से हमारा बी वाला भवानी प्रसाद मिश्र। दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो चलिए फिलहाल मैं आपको बताता हूँ हमारा राइट आंसर होगा विद्युत। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा डी वाला विद्युत। इसके बाद देखते हैं पानी में कुल कितने अक्षर हैं, बताइए दोस्तों पानी में दोस्तों कुल कितने अक्षर हैं, तो 29 का राइट आंसर होगा अक्षर आपके दो हैं, पा और ना। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। दोस्तों अब आपको बताना जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं जिज्ञासु। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आप सभी का जिज्ञासु, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है, कोई भी छंद है वो किस में विभक्त रहता है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बताया, राइट आंसर होगा आपका चरणों में। ठीक है ना, चरण होते हैं ना 16, 16, 11, 13, ये मात्राएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी। केशव दास ने अपनी किस रचना में रस की चर्चा की है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो केशव दास जी ने अपनी किस रचना में, तो रचना है इनकी रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया रचना में जो है रस की चर्चा की है। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आपका रसिक प्रिया, क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ये रहा आप सभी के सामने, रसायनों की मिट्टी की पवित्रता को, गरिमा को, उपलब्धता को या फिर उत्पादकता को नष्ट करता है। तो रसायनों ने जो मिट्टी की, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा 33 का आपका, उत्पादकता को, रसायनों ने मिट्टी की उत्पादकता को नष्ट कर दिया है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग का राइट आंसर होगा डी वाला, क्लियर है। तो सही जवाब होगा हमारा डी। वशीकरण में कौन सा समास है, दोस्तों आप सभी को यहाँ पर ये बताना है वशीकरण में जो है कौन सा समास है। 34 एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ से डी वाला, तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, राइट आंसर होगा हमारा तत्पुरुष। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा के कितने भेद माने गए हैं, तो चलिए फिलहाल मैं आपको बताता हूँ 35 का राइट आंसर होगा दो भेद माने गए हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो बिल्कुल दोस्तों सही जवाब होगा 36 का यहाँ से अक प्रत्यय लगा, लेखक में आप लोग का अक प्रत्यय लगा हुआ है। दिए खंडों में से वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, कक्षा के सभी लड़के, ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पर कक्षा के सभी लड़के गुरु जी की मन से श्रद्धा करते हैं, तो गुरु जी की मन से श्रद्धा करते हैं, जिस श्रद्धा करते हैं दोस्तों यहाँ पर ये बात गलत दे रखी है। तो फिलहाल राइट आंसर होगा आपका डी वाला, क्लियर है। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं, जहाँ उपमानों में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ पर आपका संधेय अलंकार होता है, जहाँ पर संधेय होगा वहाँ पर आपका संधेय अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूर्छा विलोम शब्द आएगा आपके एग्जाम में एक या फिर दो क्वेश्चन, मूर्छा का विलोम शब्द क्या है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका चेतना।
सही जवाब है आपका चेतना। और इसके बाद दोस्तों देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न ये आपके सामने, और जाते जाते इसका जवाब आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चार वाक्य दे रखे हैं, इनको उचित क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। यार अलावा फॉर्मेट है और इसको व्यवस्थित करना है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू इसी टाइप से आपके साथ सभी वो महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करूं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कनिष्ठ साई का पेपर बहुत हार्ड नहीं आएगा, इसलिए मैं वही चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा जो सिर्फ आपके एग्जाम में आएगी। तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आप लोग को, जैसा जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूँ बस आपको वही फॉलो करना है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में, तब तक लिए दोस्तों नमस्कार।